नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। कश्मीर में इन दिनों फिर से हलचल तेज हो गई है। कभी आतंकी हमला और कभी ड्रोन हमला, और इस बार तो फिर से एक बार ड्रोन हमले ने पूरे कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान को हैरान कर दिया है। एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, बल्कि 300 ड्रोन हमला किया गया है। पाकिस्तान पर इस समय आसमान में सिर्फ ड्रोन ही ड्रोन दिख रहे हैं। भारत की एयरफोर्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली से NSG की कई टीम रवाना हो चुकी हैं। हिंदुस्तान एक बड़ी जंग लड़ने जा रहा है। आखिर ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, पाकिस्तान ने इतना बड़ा खेल कैसे खेला, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और ये भी दिखाएंगे कि धारा 370 के खात्मे के बाद से सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कश्मीर के सारे नेता दिल्ली में बैठक के लिए आए। पाकिस्तान के सारा का प्लान धरा का धरा रह गया, और पाकिस्तान बौखलाहट में चीन की मदद से भारत पर ड्रोन हमला शुरू कर चुका है। चलिए मैं पूरी खबर आपको दिखाता हूं कि आखिर में क्या चल रहा है। 370 को रद्द किए जाने के बाद से पाकिस्तान से लगती संवेदनशील सीमा पर 300 से अधिक ड्रोन या अज्ञात उड़ान वस्तुएं देखी गई हैं। केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक पश्चिमी सीमा से जम्मू और पंजाब वर्ष 2019 में 167, पिछले साल 77 और अब तक 60 बार ड्रोन देखे गए हैं। बता दें कि रविवार को जम्मू के वायुसेना स्टेशन को निशाना बनाकर 2 विस्फोट कराए गए थे। हालांकि इन हमलों में कोई जान हानि तो नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ इसे बड़े खतरे के तौर पर देख रहे हैं। सतान पड़ोसी पाकिस्तान और चालाक चीन से मिल रही चुनौतियों के बीच देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए यह खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। ड्रोन हमलों को रोकने के लिए स्काई फेंस, ड्रोन गन एथेना, स्काई वॉल 100 और ड्रोन कैचर जैसी विशिष्ट ड्रोन रोधी तकनीकों पर काम किया जा रहा है। ड्रोन गन या पायलट और ड्रोन के बीच रेडियो सिग्नल को जमा करने के साथ ही हमले से पहले ड्रोन को उतारने पर मजबूर कर देता है। स्काई फेंस, इसके माध्यम से ड्रोन पर इस तरह के सिग्नलों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि वह अपना रास्ता भटक जाता है। ड्रोन कैचर, यह तेजी से दुश्मन ड्रोन के पास पहुंचता है और ड्रोन पर जाल फेंक कर उसमें लगे अन्य उपकरणों को जाम करके काबू कर लेता है। एथेना, एडवांस टेस्ट हाई एनर्जी एसेट, एक अन्य हथियार है जिस पर काम चल रहा है। इसके जरिए उच्च क्षमता की लेजर बीम फायर करके ड्रोन का काम तमाम किया जाता है। और इस समय जिस प्रकार से ड्रोन हमला हो रहा है, इसको देखते हुए ड्रोन को मार गिराने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सीमा सुरक्षा बल और विभिन्न पुलिस इकाइयों के सीमावर्ती यूनिट ने 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा पर ड्रोन, UAV और दूर से संचालित वायुयान को हवा में दिखने पर देखो और मार गिराओ की प्रक्रिया अपना रखी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए सुरक्षा प्रहरी को जमीन पर सतर्क रहना होगा और ड्रोन के दिखते ही उसे इंसास राइफल जैसे हथियार से मार गिराना होगा या उसे काबू करना होगा। इस तरह की प्रक्रिया अपनाकर ही इस पर काबू पाया जा सकता है। सेना से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि किसी सैन्य प्रतिष्ठान या परिसर को सुरक्षित रखने के लिए अभी तक वृत्ताकार ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है। हालांकि सीमा सुरक्षा के लिए एक रेखीय सुरक्षा घेरे की जरूरत है। एक अन्य अधिकारी ने कहा है कि BSF ने अक्टूबर 2019 में एक ड्रोन रोधी सिस्टम के प्रोटोटाइप का परीक्षण किया था। वैसे तो इसका उपयोग दवाइयों की डिलीवरी, तस्वीरें लेने और वीडियो शूट करने में किया जाता है, लेकिन अमेरिकी सेना ने वर्ष 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान ड्रोन का पहली बार सैन्य इस्तेमाल किया था। अमेरिकी वायुसेना अंतरिक्ष में भी इसका उपयोग कर चुकी है। कई आतंकी संगठन कर रहे हैं इसका उपयोग। इस्लामिक स्टेट के अलावा फलस्तीन के लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह, हूदी विद्रोही तालिबान के साथ पाकिस्तान में सक्रिय कई आतंकी संगठन हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। अगर दुनिया में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान करने लगा है, पाकिस्तान के आतंकवादी करने लगे हैं।
तो भारत ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता, सवाल यह है। और भारत भी इस पर काम कर रहा है। वैसे भी जब कोई खतरा होता है तभी उस पर काम शुरू होता है। अभी तक हम इस खतरे से अनजान थे और हमने सोचा भी नहीं था कि ड्रोन हमला भी हो सकता है, लेकिन बीते एक हफ्ते में लगातार ड्रोन हमला हो रहा है और अभी तक भारत में अलग अलग सीमाओं से 300 ड्रोन हमले हो चुके हैं। 300 ड्रोन हमले अगर कामयाब हो जाते, अगर हमारे सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद ना होते, तो अब तक 300 हमले हिंदुस्तान में हो चुके होते, 300 आतंकी हमले, 300 विस्फोट हो चुके होते। लेकिन हमारे सुरक्षा बल के जवानों की मुस्तैदी की वजह से बड़ा हमला भी टाल दिया जाता है। आज पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भारत की तरफ से भारत ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। जैसे ही हमें पक्का सबूत मिलता है, इनपुट मिलता है, ये सब हमले पाकिस्तान ने किए हैं, क्योंकि सीमा पर ड्रोन तो देखे गए हैं, अभी जल्दी में ड्रोन देखे गए हैं, लेकिन जो 2-3-4 ड्रोन इस समय हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं वो किस तरफ से आ रहे हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। NIA की टीमें वहाँ पहुँच चुकी हैं, एयरफोर्स और पुलिस के जवान, पुलिस भी अपनी तरफ से, एयरफोर्स भी अपनी तरफ से जांच जारी कर चुकी है। अगर जांच का रिजल्ट जैसे ही आता है वैसे ही एयरफोर्स के विमान हवा में उड़ान भर देंगे। NSG की टीमें रवाना कर दी गई हैं, दिल्ली से 50,000 जवानों को रवाना कर दिया है, 50,000 जवान घाटी में सक्रिय हो चुके हैं। अब भारत इस हमले का कड़ा जवाब देने जा रहा है और एक विशेष सूत्रों से खबर मिली है कि पाकिस्तान भी हाई अलर्ट हो गया है। पाकिस्तान ने अपने इमरजेंसी लगा दी है, मतलब कि वो इमरजेंसी नहीं जो भारत में लगाई थी, पाकिस्तान ने वो इमरजेंसी लगाई है कि पाकिस्तान पूरी तरह तैयार रहे, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, भारत बड़ा हमला कर सकता है, भारत तबाही मचाने के लिए अपने एयरफोर्स को रवाना कर सकता है। और भारत की तैयारियों को देखते हुए पाकिस्तान हैरान हो चुका है, पाकिस्तान परेशान हो चुका है, पाकिस्तान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेटों को अलर्ट पर रख दिया है, चीन की मदद लगातार ली जा रही है, चीन भी इस मसले पर गंभीर बना हुआ है, चीन पाकिस्तान और भारत के बीच में जो इस समय तनाव है उस पर भी वो नज़र बनाए हुए है, और हो सकता है अगर जंग हो तो चीन ज़रूर पाकिस्तान की मदद करेगा, भारत उसके लिए भी तैयार हो रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। UPSC के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें TV पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।